जिला पार्षद पूरे रहिया भैया पूरे अभी घेरा है। अरे प्रेमचंद जी कहाँ रह गए? आगे भैया डिबेट पर खूब बोलते हैं ऐसे एकदम संबित पात्र पसंद पसंद हुए थे बहुत हल्की बात है। ये घेरल गल है पर्दावा से शायद बहुत छोट गल सब छोटल कुछ छोटल और मत दूंगी अनुभव। ये एम्बुलेंस जी इसको खोलिए। हाँ हटिए तो भैया सारा एम्बुलेंस है। कितना दिन से लग रहा है? 6 महीना से। पर्दा खोलो। सब 6 महीना से खोलो। ले लीजिए भाई, पूछना क्या है इसमें? आप दीजिएगा तो दिक्कत। हाँ ठीक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं लीजिए। सब कुछ खोलिए। हाँ खोलो पीछे फोटो है उनका पीछे से सब खोल दो यार। जी के विरोध में नहीं लिखा, एक आदमी मेरे साथ नहीं रहा, अकेले आया है। दो बार आया है और लोग बोला भी है कि फटा देंगे। हाँ तो बिटू भी अच्छा नहीं था। अब इसको हम कहते हैं कि 6 महीने से हमको देख रहे हैं। जिला पार्षद जी कहाँ रहे? अभी कहाँ भैया? हेलो सुनिए ना, आगे वाला सारा एम्बुलेंस बाहर निकाल दिया गया है। चार एम्बुलेंस चला गया है। अच्छा जी हाँ हो चुके हैं खुद विकास इधर चलिए ना इधर ना। ठीक है ठीक है ठीक यहाँ 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 और ज्यादा है। अच्छा पप्पू जी आपको डर नहीं लग रहा? आप कभी बाढ़ में कभी कोरोना में लगातार एकदम 1 महीने हो गए शमशान कब्रिस्तान सब लोगों को जलाते। अपनों ने जब छोड़ दिया, माँ ने जब बेटे को, बेटा ने माँ को, पिता ने बेटा को, बेटा ने बाप को, पति पत्नी को, गांव ने छोड़ दिया वहाँ पप्पू। 1 महीने हो गए इन मृत लोकतंत्र की मृत और आत्मुग्ध सरकार लोकतंत्र को मार देने वाली। और ये नेता जो रावण कंस और यजीद से भी ऊपर और जल्लाद लोग बैठे हैं, ये क्या है? सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहाँ भेज दिया गया, एक चौबे जी है उनके यहाँ भेज दिया गया। ये यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया, 60-70 से ज्यादा 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं, मेरा सवाल वो नहीं है। हम रूढ़ी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर मैं मुझे लगा किसी और का है, रूढ़ी जी का घर नहीं है। लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है? सवाल न रूढ़ी जी का है न पप्पू यादव का, सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। क्यों नहीं कोरोना की दवाई सरकार के द्वारा फ्री देने की बात हुई? कोरोना के समय 5 लाख का बीमा क्यों नहीं? क्यों जब पूरा का पूरा देश और बिहार कोलैप्स हो गया, हर घर में लाश और कफन, फिर बहाली क्यों?
आज सेना एक हॉस्पिटल को टेक ओवर की है, हम निजी अस्पतालों को हैंड ओवर करने की बात मांग कर किए हैं कि आप कोरोना की जितनी बीमारी निजी अस्पताल में हो रही है सरकार खर्च दे या तो फ्री करे कंप्लीट। और हर व्यक्ति के घर में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।